अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हेडलाइन स्टूडियो के साथ और मैं आपके साथ सुरखाक जहरा। जैसे कि नाज़रीन आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पिछले महीने से लगातार हमें डिमोलिशन ड्राइव जो है वो देखने को मिलती है, चाहे हम गरीबों की बात करें, आला अफसरान की बात करें, तो हमें ये डिमोलिशन ड्राइव जो है लगातार देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में आज अवामी आवाज़ पार्टी ने जो है एक एहतजाज किया है इस डिमोलिशन ड्राइव को लेके, तो सीधे इनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। साथ जुड़ चुके अवामी आवाज़ पार्टी के स्पोक्स पर्सन नदीम साहब, इनसे जानने की कोशिश कर रही है। जी नदीम साहब, आपने प्रोटेस्ट करें, आज जो ऑर्डर निकला था 5 से 15 बरस जमीन जो लोगों के पास है उन पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, लेकिन ये लोग तो नहीं पे बुलडोजर चला रहे, ये कश्मीरियों को तंग ला रहे, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं लोग। वो गरीब आवाम जिनको जिनके पास खाने को शाम को कुछ नहीं होता, अब उनकी छत भी उठा रहे हैं, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। देखिए जिनके पास उनके साथ भी हो रहा है, एक दो बंदों को क्या उन्होंने डिमोलिशन कर दिया, उनके पास तो 100 कनाल जमीन है, उन पे तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये खुद बोलते हैं 5 से लेकर 15 मरले तक जमीन वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, तो उन पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं लोग? ये क्या ये बेवकूफ समझते हैं कश्मीरियों को? ये कश्मीरियों को अमन से रहने नहीं देंगे। देखिए अब या तब हम बुलडोजर बाबा को रोकेंगे, गरीबों के छत पे चलेगा, हम इनको रोकेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। बाकी जिन्होंने जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स रह चुके यहाँ, जिन्होंने घपले किए, जमीन खाई, उन पे कार्रवाई करे, उन पे कार्रवाई करे, लेकिन गरीब आवाम पे कार्रवाई मत करे। गरीब आवाम ऑलरेडी बहुत सफर कर रहा है यहाँ पर कश्मीर में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई नोटिस भी नहीं आती है, बुलडोजर आता है उनके घर पे चला। अरे इन्होंने कानून को भी पीछे छोड़ा, हमारी जुडिशरी को भी पीछे छोड़ा, ये कौन सा कानून मान रहे हैं? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाई दी है, ये हमारे कानून को भी नहीं मानते। अगर किसी को पहले ही अगर उनको नोटिस दी जाती है 10-15 दिन पहले, ये लोग तो वो नहीं करते, ये तो सीधे निकलते हैं और बुलडोजर चलाते हैं, फिर हम पे चलाए, सीधे चलाए, लोगों पे ही चलाए, खत्म करे कश्मीर को। आपकी पार्टी ने आज एहतजाज किया है, तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गरीबों से जुल्म मत करो, जिनके पास 5 से लेकर 10 मरले तक जमीन है जो आप खुद बता रहे हो, उन पे बुलडोजर मत चलाओ, उनको अमन से रहने दो। गरीब बहुत सफर कर रहा है, गरीब बहुत तंग आ चुका है, कश्मीर यू तंग आ चुका है। अगर ये चाहते हैं कि यहाँ हालात अमन रहे, ठीक रहे, तो उनको ये ऑर्डर्स वापस लेने होंगे। नहीं चलेगा।